विधानसभा में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं जो कि लगातार तीन दिन से साइकिल से आ रहे हैं, जाहिद बेग साहब। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जाहिद बेग साहब शुरुआत के से लेकर अभी तक जो है वो साइकिल से ही विधानसभा आ रहे हैं। सर, दो दिन तो आपने विरोध प्रदर्शन किया, आप क्या लगातार साइकिल से आएंगे जब तक सदन चलेगा? देखिए, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एक दिन का नहीं है, इसके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ना पड़ेगा। इनको सत्ता का घमंड हो गया है। जिस तरह माननीय नेता सदन विधानसभा के अंदर भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के विधायकों को डरवाने काम करते हैं कि ये मुद्दे से मुद्दा न उठाएं। और समाजवादी पार्टी के लोग गरीबी की आवाज़, किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, महंगाई के खिलाफ, जुल्म खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा तक संघर्ष करेंगे। चाहे वो गर्मी का हवाला दें निकालने की, चाहे उनके वक्त हालात लोगों की अच्छे अच्छे गर्मी निकाल दिया है। आपके दल के नेता हैं शिवपाल यादव, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रमुख सचिव को कि हमारी बैठने की व्यवस्था जो है वो की जाए सीनियरिटी के हिसाब से, उनकी सीट पीछे कर दिया है। क्योंकि ये सरकार जो है बहुत से लोगों की सीट अगल बगल कर दिया है, गलती के कई लोगों का परिवर्तन किया है। अगर उनकी हमारी हमारे नेता हैं, उनकी इच्छा है, तो उनको बदलना चाहिए, आगे से करना चाहिए। तो आप रोज सदन आप जो है वो साइकिल से ही आएंगे? जब तक इस जालिम हुकूमत के जनता के ऊपर जुल्म होता रहेगा, आम आदमी पर जुल्म होता रहेगा, गरीबों आम लोगों पर अन्याय होता रहेगा, महिलाओं पर अन्याय होता रहेगा, हम साइकिल चलाते रहेंगे। धन्यवाद बातचीत के लिए, शुक्रिया। आपने देखा जाहिद बेग साहब, इनकी साइकिल खड़ी करने की ये जगह भी है, यहाँ पे ऊपर ये अपनी साइकिल को खड़ा कर देते हैं और जब सदन खत्म होता है तो ये साइकिल से ही जाते हैं वापस। अब इनकी साइकिल दिन भर यहीं खड़ी रहेगी और जाहिद बेग साहब कह रहे हैं कि जब तक मजलूमों के ऊपर जुल्म होता रहेगा उत्तर प्रदेश में, वो तब तक जो है वो हम इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और ये विरोध एक दिन का नहीं है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर ये विरोध अनवरत यूं ही जारी रहेगा। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।